टीवी सोमनाथन होंगे नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव। दो साल के लिए हुई सोमनाथन की कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्ति। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर है टीवी सोमनाथन। 30 अगस्त से मानी जाएगी कैबिनेट सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति। कैबिनेट सचिवालय में ओएसडीबी बनाए गए टीवी सोमनाथन फिलहाल वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। और जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी सामने आ चुका है जिनमें ऑफिशियली उनके नाम की घोषणा हुई है। सोमनाथन कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां टीवी सोमनाथन अब होंगे नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव। दो साल के लिए सोमनाथन की कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं टीवी सोमनाथन। 30 अगस्त से मानी जाएगी कैबिनेट सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति। कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी भी बनाए गए टीवी सोमनाथन और फिलहाल अभी वित्त सचिव के रूप में कार्यभार वो संभाल रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है यानी कि ऑफिशियल तौर पर उनके नाम की जो घोषणा हुई है उसकी भी सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। क्योंकि असमंजस बना हुआ था ऐसे में टीवी सोमनाथन के नाम पर मुहर आखिरकार लग चुकी है और अब नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव उनको बनाया गया है। दो साल के लिए हालांकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कैबिनेट सचिव पद की। और देखिए तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं टीवी सोमनाथन। और अभी तक का जो उनका कार्य प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है और यही वजह है कि एक नई जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। हालांकि 30 अगस्त से कैबिनेट सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति मानी जाएगी। कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी भी बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन और फिलहाल अभी वित्त सचिव के रूप में कार्यभार वो संभाल रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है यानी कि ऑफिशियल तौर पर उनके नाम पर मोहर लग चुकी है।